नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। 8 दिसंबर 2022 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। मेष राशि, आज से आप अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में निराशा हो सकती है। जीवन साथी से किसी बात पर नाराज होंगे। अविवाहित लोग दाम्पत्य जीवन के लिए प्रयास कर सकते हैं। वृष राशि, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। किसी योजना से बड़ा लाभ होगा। इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम पूरा होने से जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। काम के सिलसिले में आप काफी व्यस्त रह सकते हैं। इससे आपको फायदा भी होगा। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, शुभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आई थी वो दूर होंगी और परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। कर्क राशि, आज आप पर जो भावनात्मक मिजाज छाया हुआ है उससे छुटकारा पाने के लिए बीती बातों को दिल से निकाल दें। आपको कमीशन, डिविडेंड या रॉयल्टी के रूप में लाभ मिलेगा। आपको अपने घर के माहौल में कुछ बदलाव करने से पहले सबकी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। सिंह राशि, आज भाग्य आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में काम आसानी से पूरे होंगे। दफ्तर में वरिष्ठों से बात करने में मदद मिलेगी। पारिवारिक मसलों पर फैसले लेने के लिए आज का दिन बेहतर है। घर में सबके साथ तालमेल बनाकर रहे। कन्या राशि, आज आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपको अपने जीवन में हो रहे बदलाव को स्वीकार करना होगा। आज आपकी मुलाकात कुछ दिलचस्प और बड़ी सोच वाले लोगों से हो सकती है। दोस्तों की किसी भी तरह की बातचीत में आकर अपना समय बर्बाद ना करें। तुला राशि, परिवार में कुछ सदस्य अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से आपके लिए झुंझलाहट का कारण बन सकते हैं, लेकिन आपको अपना आपका खोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपकी स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। याद रखें, जो सुधार नहीं किया जा सकता उसे स्वीकार करना बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन पहले से बेहतर रहेगा। जिस मौके की आप कई दिनों से तलाश कर रहे थे वह आज पूरा हो जाएगा। किसी करीबी से मदद मिल सकती है। इस राशि के लवमेक आज कहीं भी घूमने जा सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन शुभ है। धनु राशि, आज पुत्र की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आप कोई नया वाहन या कोई नया उपकरण खरीदने की योजना बना सकते हैं। धनु राशि के अविवाहित जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई नया साथी आ सकता है। मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। एक दूसरे की बात को समझकर निजी समस्याओं का समाधान करें। इसे दूसरों के सामने ना लाएं, नहीं तो मानहानि हो सकती है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। कुछ खास करने के लिए दिन बेहतर है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप बखूबी निभाएंगे। इस राशि के कलाकारों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा होगा। मीन राशि, आज आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। किसी के प्रति आकर्षित होंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। जितना हो सके आप गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। आप अपने जीवन में तेज गति से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 8 दिसंबर को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में भी नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए अब जानेंगे कैसा रहेगा आपका दिन। अंक 1, मानसिक दबाव और थकान परेशानी की वजह हो सकती है। सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए आराम की आवश्यकता है। घर या वाहन खरीद सकते हैं। आपके प्रिय का मूड आज रोमांटिक रहेगा। आपका शुभ अंक है 10 और शुभ रंग लेमन। अंक 2, साथियों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। बेकार समय बिताने से बेहतर है कि अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करें।
आज आपके खर्चों का भार बढ़ सकता है। आपका शुभ अंक है 9 और शुभ रंग पीला। अंक 3, आज का दिन आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा और पूरा दिन मिला जुला रहने वाला है। नई योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं। आज आप अपनी चीजों का ध्यान अवश्य रखें, वरना चोरी या फिर खोने की संभावना है। आपका शुभ अंक है 8 और शुभ रंग सफेद। अंक 4, आप किसी फंड में निवेश से फायदा हो सकता है। आप प्रसन्न और सुकून महसूस करेंगे। सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं। सोशल विजिट हो सकती है। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपका शुभ अंक है 22 और शुभ रंग हरा। अंक 5, सरकारी मामलों में वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। अविवाहितों के विवाह के योग बन रहे हैं। शादी प्लान कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपका शुभ अंक है 33 और शुभ रंग हरा। अंक 6, धन संबंधित मामलों में चिंताएं दूर होंगी। अपने प्रियजनों के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। व्यापारिक कार्य में अधिक मुनाफा हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका के मध्य झगड़ा भी हो सकता है, जो कि संबंधों में दरार ला सकता है। आपका शुभ अंक है 14 और शुभ रंग केसरिया। अंक 7, पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रोमांस और बाहर घूमना आपके माइंड पर हावी रहेगा। आज आप अपने प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। आपका शुभ अंक है 9 और शुभ रंग नारंगी। अंक 8, आपकी प्रतिभा के लोग कायल होंगे। मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। फैसला लेने से पहले जरूरतों को समझने की कोशिश करें। अतिरिक्त आय के लिए सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। दिन अच्छा है। जीवन साथी और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आपका शुभ अंक है 21 और शुभ रंग बैंगनी। अंक 9, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और नए साथी भी बनेंगे। आज की सकारात्मक सोच जीवन में प्रगति ला सकती है। प्रतिस्पर्धा तथा द्वेष का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर आपकी सेहत पर बुरा पड़ने वाला है। आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग नीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 दिसंबर 2022 गुरुवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय आइए जानते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, चंद्रोदय 8 दिसंबर शाम 5:45 पर, साथ ही चंद्रास्त होगा 9 दिसंबर सुबह 7:53 पर। आइए जानते हैं तिथि। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 7 दिसंबर सुबह 8:01 से 8 दिसंबर सुबह 9:38 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 8 दिसंबर सुबह 9:38 से 9 दिसंबर सुबह 11:34 तक। नक्षत्र रोहिणी 7 दिसंबर सुबह 10:25 से 8 दिसंबर दोपहर 12:33 तक। मृगशीर्ष 8 दिसंबर दोपहर 12:33 से 9 दिसंबर दोपहर 2:59 तक। जानेंगे करण भव 7 दिसंबर सुबह 8:47 से 8 दिसंबर सुबह 9:38 तक। बालव 8 दिसंबर सुबह 9:38 से 8 दिसंबर सुबह 10:33 तक। कौलव 8 दिसंबर सुबह 10:33 से 9 दिसंबर सुबह 11:34 तक। जानेंगे योग 7-8 दिसंबर सुबह 2:54 से 9 दिसंबर सुबह 3:12 तक। शुभ 9 दिसंबर सुबह 3:12 से 10 दिसंबर सुबह 3:43 तक। आगे जानेंगे अशुभ काल। राहु दोपहर 1:38 से दोपहर 2:57 तक। यमगंड होगा सुबह 6:59 से सुबह 8:19 तक। कुलिक सुबह 9:39 से सुबह 10:58 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:32 से सुबह 11:14 तक। वर्ज्यम होगा सुबह 6:43 से शाम 8:29 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:39 तक। अमृत काल सुबह 9:04 से 10:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से सुबह 6:12 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक, राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।